ग्रुप सी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा करनाल के इनकम टैक्स कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। कर्मचारियों ने यह धरना इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में दिया है। इस दौरान ग्रुप सी के कर्मचारियों द्वारा धरने पर बैठकर नारेबाजी की गई और सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के सचिव ने बताया कि डिपार्टमेंट की ओर से काफी लंबे समय से उनकी लंबित मांग चल रही है कि उनको पूरा करवाने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। जब तक उनके सेंटर बॉडी से कोई मैसेज नहीं आता तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी लगभग 10 सूत्रीय मांगे हैं परंतु उनको पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है, जिसमें आज करनाल इनकम टैक्स कार्यालय के लगभग 48 के करीब ग्रुप सी के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह अपना धरना आज भी जारी रखेंगे। आज किस लिए प्रदर्शन? आज हमारा इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन CHQ के कॉल पे हम यूनिट वाइज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारा कल 3 मार्च से शुरू हुआ था और टिल फर्दर ऑर्डर्स जो हम CHQ से प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। अभी धरना प्रदर्शन में हमारी मुख्यतः 10 मांगे हैं। चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा पूरा, जिसमें मुख्यतः सीनियोरिटी लिस्ट, पेंडिंग DPC प्रमोशंस, उससे अलग कुछ हमारे NWR जोन में ऑल इंडिया में कुछ सिंगल IT स्टेशन को बंद किए जाने की बात हो रही है, तो उसमें हमारी ITF का मांग है कि हमारे संज्ञान में लेते हुए कुछ टाइप के डिसीजन लिए जाएं। कुछ रेजिडेंसी पीरियड का है और कुछ मेनली स्टेनोग्राफर ग्रेड में, जो उन्होंने रेजिडेंसी पीरियड 10 साल बढ़ाया है उसको कम करने के लिए भी हमारी मांग है कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको पुराने रूल्स के तहत ही सुविधाएं और प्रमोशन मिलता रहे। उससे अलग कुछ हमारी बेसिक मांगे जो पुराने टाइम से चल रही हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर्स और स्टैनोज को प्रॉपर वर्क लोकेशन और दूसरा लैपटॉप्स वगैरह जो नेसेसरी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिले, और उसके साथ साथ में 1-2 मांग और जो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में है लेकिन किसी भी लेवल पे CBDT से बोर्ड से उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है, उसके लिए हम एजिटेट कर रहे हैं और टिल फर्दर जब तक CBDTs पे कोई एक्शन पॉजिटिव नहीं लेती है हम एजिटेट करते रहेंगे जैसा CHQ हमें इंटीमेट करता रहेगा। कितने कर्मचारी हैं ग्रुप सी के? टोटल हमारे यहाँ पे 48 कर्मचारी हैं, जिसमें से सभी लगभग आपके सामने आते हैं। क्या नाम है आपका? शेखर तोमर मेरा नाम है, सेक्रेटरी हूँ मैं यहाँ ITF लोकल ब्रांच करनाल से। शेखर तोमर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक